हेलो दोस्तों, नमस्ते जय माता दी। मैं आपकी दोस्त शोभा पहाड़ी ब्लॉगर, आप लोगों का स्वागत है मेरे सेकंड पार्ट में करवा चौथ के। यहाँ पे सब जो है मंदिर में, अभी हमारी तो हो गई थी पूजा, अभी और दीदी भी आ रही थी, एक दूल साइड से थे। सभी बारी बारी जो है धूप चढ़ा रहे थे, माथा टेक रहे थे। यहाँ पे आराध्य और कृतिका जा रहे थे बाहर की तरफ, और अभी और दीदी भी आ गए थे, ये भी दूल से ही थे, और हम भजन कीर्तन का करने बैठ गए थे यहाँ पे। चाबी अंदर बना, बोल दे, बोल दे, चाबी अंदर बना। ओ भोले बाबा दूजा लाई जीता भर मोरा, शिव कैलाशों के वासी धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना की बतियां भांग दतूरा, शिव देखिए सभी आ रहे हैं घर, और अभी 5:30 बज गए हैं, 6 बजने वाले। गौशाला का काम उसके बाद चले जाएंगे, फिर घर में जाके खाना वगैरह बनाना है, तो अभी मिलती हूँ सीधे घर में जाके जब मैं खाना बनाऊँ। और गाय से दूध निकाल दिया है, तो काम तो करना ही पड़ता है, चाहे व्रत हो चाहे नहीं हो। तो हनी है मेरे साथ आज, दीपू घर से नहीं आया है। मैं अभी घर पहुंच गई हूँ, और राजमा और माँ मैंने पकने के लिए डाल दिए है, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ से बोलते कि माँ जो है बहुत शुभ होते हैं, माँ की खिचड़ी, तो माँ मैंने थोड़े से डाले हैं, बाकी मैंने राजमा ही डाले हैं। तो अभी मैंने पकने के लिए डाल दिए हैं, तो अभी मैं दिए वगैरह जला लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जब पति आएंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगी, मिलाऊंगी उनसे। मैं यहाँ पे मीठा बना रही हूँ प्रसाद, मैं बना रही हूँ सीरा और फ्लार मिक्स करके दोनों चीज़ें, मतलब वो कि सीरा और जो कनौर का सीक होता है वो मिक्स करके, और आप लोग देखना बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ज़्यादा मीठा। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं राजमा और चावल, ये देखिए राजमा मेरे इतने नहीं पके हैं, पर माँ तो बिल्कुल ऐसे बन गए हैं जैसे भुजिया। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, और फिर ढक्कन लगा दूंगी, और दीपू से टेस्ट करवाऊंगी नमक। और यहाँ पे मैं सीरा बना रही हूँ, यहाँ पे डाल दिया मैंने देसी घी, और यहाँ पे ये है सीरे का जो पेड़, नहीं बनाना घना भी नहीं बनाना और ज़्यादा पतला भी नहीं, और इसमें जो काला काला दिख रहा है ये कनौर के हैं, कनौर का जो सीख डाला है मैंने, मेरी मासी ने दिया था मेरे को, सबसे छोटे वाली, बहुत ज़्यादा यम्मी होता है, सीरे से भी ज़्यादा यम्मी। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे गर्म होने के रख लिए रख देती हूँ, और ना गैस बहुत गंदी हुई है, इग्नोर करना आप लोग, रोटी बनाई है तो रोटी की जो आटा है ना वो गिर गया है इधर। यहाँ पे मेरा घी हो रहा है गर्म, और गैस जो पेस्ट मैंने बनाया था सीरा सीरे और इसका सिक्का, तो वो डाल दिया मैंने, अभी घी गर्म हो गया था, तो अभी इसको अच्छे से लाना है। और ये देखिए बन के जो है रेडी हो गया है, अभी बज चुके हैं रात के 9, और हमारे यहाँ चांद निकलता है 11:15, और पुराने घर में तो 11:30 निकलता है, क्योंकि हमारे घर के सामने जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो बहुत टाइम लगता है सूर्य चाँद निकलते निकलते, और सूरज भी उसे ऐसे ही निकलता है लेट ही। तो अभी मेरा जो हलवा था फुलार था बन के रेडी हो गया है, और खिचड़ी की मेरी जो है एक मिसल आ गई है, तो दिखाते हैं अब आपको बाद में जब हस्बैंड जी आ जाएंगे। तो फ्रेंड अभी चांद आ गया है, हस्बैंड जी ने देखा, तो अभी चले हैं हम बाहर अर्घ देने।
सो गाइस, दीपू बना था आज का कैमरामैन हमारा वीडियो बनाने का, बट इसको ठंड लगी थी तो ऐसे ही बनाई उसने, चलते फिरते कभी स्टॉप कर दी, कभी क्या किया कभी क्या, तो इग्नोर करना, बस जितना कर हमें नॉलेज था हमने वो किया। अगर कुछ कमियां रही होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि हम आगे और अच्छा करें। यहाँ पे हस्बैंड जी ने मुझे पानी पिला दिया था, अभी मेरे को मिठाई खिला रहे थे और जो मीठा बनाया था प्रसाद वो भी खिलाया। अभी मैं दे रही थी हस्बैंड जी को रुमाल और जो गरी का गोला था। आपके क्या करते हैं, हमारे यहाँ से देते हैं, आपके क्या करते हैं आप बताना ज़रूर, हमें भी नॉलेज नहीं है, हम बस यही करते हैं जो भी बताए आप लोगों को। यहाँ पे हम फोटो खींचने के लिए दोबारा से छन्नी लेके खड़े हो गए थे। जो भी रस्म थी वो दीपू ने शूट की है, पता नहीं कैसे कैसे किया वो, ये तो पता नहीं है, और जितना कर हमें नॉलेज है बस हमने वही किया। और अभी हम डिनर करते हैं, तो गाइस यहाँ पे हमारी बनी है खिचड़ी और हस्बैंड जी परोस रहे हैं खाना, क्या बोल देना। यहाँ पे हनी ने निकाल दी है मक्खन और हनी ने जो है नोनी ली है मक्खन। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, और पार्ट वन पार्ट टू करके डालूंगी शायद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय 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 दीपू, बाय साहब जी।